तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनेड्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। मैंने आपको ये भी बताया कि इन केस ऑफ ह्यूमन मेल बॉडी में वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होंगी, जिनको हम लोग मेल गोनेड या मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। अगर टेस्टिस मेल गुनेड है या मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो इसे दो काम करने होंगे। पहला तो ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करे, स्पर्म प्रोड्यूस करे, दूसरा ये मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। अभी तक हम लोगों ने टेस्टिस की ग्रॉस एनाटॉमी देखा, यानी टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन देखा। इसके बाद हम लोगों ने बात किया टेस्टिस की फिजियोलॉजी पे। हमें ये बात समझ आ गई कि टेस्टिस ये दोनों काम कर रही है, पहला ये स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है। मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारी हाईली क्वाइड अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर बन रहे होते हैं स्पर्म, इसके अंदर बन रहे होते हैं स्पर्म। एक बड़ी खास तरीके की सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये डिप्लॉयड होती है। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके बाद मैंने दूसरी तरफ आपको यह भी बताया कि टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ खाली जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस स्पेस में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग या लेडिग सेल्स बोलते हैं। ये कुछ सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन्स, एंड द मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। तो दूसरी तरफ हमने ये भी समझ लिया कि ये सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा, और ये जो सेक्स हार्मोन्स बन रहे हैं इनके दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हमने देखे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, और दूसरी तरफ ये रेगुलेट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, मतलब हम टेस्टिस को क्या बोल पा रहे हैं, गोनेड बोल पा रहे हैं, या मेल गोनेड या मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल पा रहे हैं। अगर हम टेस्टिस की ग्रॉस एनाटॉमी को एक बार दोबारा से रिवाइज करें तो हमें ये पता है कि टेस्टिस एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस तरीके से टेस्टिस एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल फिसर है जिसको हम मीडिया स्टेनम बोल रहे हैं, जो टेस्टिस के कंपार्टमेंट या चैम्बर को दो अनइक्वल चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा है। और ये भी हमने देखा कि टेस्टिस जो है इसके चारों तरफ एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट है, और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्विजिनिया। और ट्यूनिका एल्विजिनिया जो है, ट्यूनिका एल्विजिनिया आउटर टेस्टिकुलर चैम्बर में कुछ इन्वेजिनेशन सेंड करेगी इस तरीके से, और ये इन्वेजिनेशन जो है इनको हम लोग बोलेंगे सेप्टम, और सेप्टम जो है इस आउटर टेस्टिकुलर चैम्बर में पार्टीशंस बनाएंगे, और ये सारे पार्टीशंस जो है ये आउटर टेस्टिकुलर चैम्बर को कुछ छोटे छोटे लोब्यूल्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये ट्यूनिका एल्विजिनिया अंदर की तरफ इमेजिनेट हुई, सेप्टम बनाई। ये जो सेप्टम है इट डिवाइड्स आउटर लेटरल टेस्टिकुलर चैम्बर इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ लोब्स कंपार्टमेंट्स, और इन लोब्स को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस विल बी 250, कितना होगा, 250। अगर हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 10, मैं बार बार बोल रहा हूं जनरली कम की तरफ, 1 से लेकर के 3 हाईली कॉन्वुलेटेड हाईली कॉइल्ड अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो मैं तो उतना क्वाइल्ड नहीं बना रहा हूं आपकी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल समझनी है कि यहां पे इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ इस तरीके से हाईली क्वाइल्ड अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी, और इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नंबर इनका एक टेस्टिकुलर लोब्यूल भी हो सकता है 1 से 3। और एक चीज मैं आपको दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक्चुअली बनते हैं स्पर्म। रियल साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने आपको बताया था वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज इंटरनली लाइंड बाई द 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स,
पहला हमने आपको बोला था जर्मिनल इपिथीलियम, जर्मिनल इपिथीलियम है तो गोनेड में या फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल में, लेकिन ये इनकी खुद की नहीं है, यानी ये डेवलपमेंट के टाइम पे कहीं से बाहर आ गई थी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कहीं से बाहर से आ गई थी, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा गोनेडल। और जो एक्चुअल इपिथीलियम है सेमिनिफेरस टिब्यूल की, इस सेल को हम लोग क्या बोलते थे, सस्टेंटेकुलर सेल या फिर सर्टोली सेल या नर्स सेल या नर्सिंग सेल बोलते थे। तो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल की वॉल है, इसकी वॉल पे अंदर की तरफ दो तरीके की इपिथीलियल सेल्स हैं, पहला जर्मिनल इपिथीलियम, दूसरा सर्टोली सेल। जर्मिनल इपिथीलियल सेल्स वो पर्टिकुलर सेल्स हैं जो एक्स्ट्रा गोनेडल हैं, बाहर से कहीं से आ गई हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, लेकिन यही एक्चुअली क्या बना रही हैं, स्पर्म या मेल गैमेट बना रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो जर्मिनल इपिथीलियम है इसमें होगी माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से ये क्या बनाएगी, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए में दोबारा से होगी माइटोसिस और ये कुछ स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए बनाएगी, कुछ उसमें से डिफ्रेंशिएट होकर के बना लेंगे स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी, स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी जो है ग्रो करेगी, इसका साइज इनलार्ज्ड हो जाएगा, अब इसको हम लोग बोलना शुरू कर देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो पर्टिकुलर सेल है जो स्पर्म लीनिएज की पहली सेल है, यहाँ से स्टार्ट होगा स्पर्म लीनिएज या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो पर्टिकुलर सेल है जो पहली बार एंटर करती है इन मियोटिक डिवीजन या मियोसिस में जाती है। तो पहले इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगी जो कि हैप्लॉयड होंगी, इन सेल्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगी मियोसिस टू, एट द एंड ऑफ मियोसिस टू चार हैप्लॉयड सेल्स बनेंगी जिनको हम लोग स्पर्मेटिड्स बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स जाकर के अटैच हो जाती थी सर्टोली सेल या सस्टेंटेकुलर सेल या नर्सिंग सेल या नर्स सेल से, और ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देता था एक हाईली स्पेशलाइज्ड मोटाइल सेल में, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी स्पर्म अपने हेड के थ्रू अटैच्ड रहते हैं, इम्बेडेड रहते हैं सर्टोली सेल में, वहां से नरिशमेंट लेते रहते हैं, लेकिन जब स्पर्म को यहां से बाहर निकलना होगा तो ये अपने हेड को सर्टोली सेल से क्या करेगा, डिटैच करेगा, लेकिन इसके पहले अपने सारे साइटोप्लाज्म को ऑलमोस्ट दे देगा किसको, सर्टोली सेल को। तो एक बात बड़े ध्यान से फिर से इसको धीरे से समझिए, मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट करने का काम हमें बहुत अच्छे से पता है सर्टोली सेल का है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन या मेटामॉर्फोसिस में जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो किसके पास है, सर्टोली सेल के पास है। इतनी समझ में आती है बात। फिर मैंने आपको बताया कि जब स्पर्म बन गए हैं तो अभी भी किससे जुड़े हैं, सर्टोली सेल से, वहां से नरिशमेंट ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम नर्सिंग सेल बोलते हैं सर्टोली सेल को। लेकिन जब स्पर्म यहां से निकलना होगा, स्पर्म को बाहर जाना होगा, तो स्पर्म अपने साइटोप्लास्ट को सर्टोली सेल को दे देता है, फिर जाकर के हेड को डिटैच करता है। इससे दो फायदा होगा दोनों को, सर्टोली सेल जो साइटोप्लास्ट पा रही है वो दूसरे स्पर्म के डेवलपमेंट में उसको क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, दूसरे स्पर्म को नरिश करेगी, और स्पर्म को इस बात का बड़ा फायदा मिलेगा कि इसकी बॉडी जो है लाइट वेटेड हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ताकि ये बड़ी आसानी से मूव कर सके, क्योंकि इसको मूव करना है, पहुंचना है एटलीस्ट अप टू द फीमेल गैमेट, इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इसके लिए हम बात करेंगे बाद में। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि जब स्पर्म निकलेगा सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर, तो जब डिटैच करेगा सर्टोली सेल से अपने हेड को, तो इसके पहले अपने साइटोप्लास्ट को डोनेट कर देगा सर्टोली सेल को। तो इस डिटैचमेंट और हेड डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल, इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलेंगे एक्चुअली, लेकिन एनसीईआरटी आपकी कह रही है कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल, इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलेंगे। तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूँ उस सेंटेंस पे, लेकिन आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो सर्टोली सेल है, या फिर सिंपल आप समझिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, कि जो स्पर्म सेल्स हैं, स्पर्म हैं, जब रिलीज होंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर, तो प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। इवेंचुअली ये स्पर्म आउटसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रिलीज कर दिए जाएंगे फ्रॉम द टिप ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है एक टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, हम बात करेंगे, ये पेनाइल सॉफ्ट में या मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन या पेनिस में प्रेजेंट होगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एट द टिप ऑफ यूरेथ्रा यहाँ पे एक मीटस प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस, और एक्चुअली इस पोर से, या कह सकते हैं इस मीटस से, फाइनली ये स्पर्म जो है ये आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाएंगे या डिस्चार्ज हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे बन रहे हैं स्पर्म्स, सपोज ये यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा के टिप पे ये क्या है, एक ओपनिंग है, स्पर्म जो है उनको फाइनली इस पोर से, या कह सकते हैं इस ओपनिंग से, जिसको हम यूरेथ्रल मीटस बोल रहे हैं, इनसे इन स्पर्म्स को क्या करना है, बाहर निकलना है इस तरीके से। और इस रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द
यूरिनरी या कह सकते हैं फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस प्रोसेस को हम इजैकुलेशन बोल रहे हैं। लेकिन इस पर बल यहां पे रहा है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और ये ट्यूब्यूल अपने आप में एक क्वाइट ट्यूब्यूल है। तो यहां से जब स्पर्म्स ये जो बाहर निकल रहे हैं, तो इस रिलीज ऑफ स्पर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिएशन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिएशन। और यहां से जब स्पर्म बाहर निकलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इजैकुलेशन। तो यहां से जब स्पर्म बाहर निकलेंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, तो ये स्पर्म कौन कौन से रास्तों को तय करते हुए फाइनली फ्रॉम द टिप ऑफ यूरेथ्रा थ्रू द यूरेथ्रल मीटर्स ये आउटसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रिलीज होंगे। तो हम बात करने वाले हैं एक्चुअली कि हाउ द ह्यूमन स्पर्म इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ प्रोडक्शन अंटिल द टिप ऑफ यूरेथ्रा, या कह सकते हैं टू द आउटसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हम बात करने वाले हैं कि जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं वो कौन कौन से रास्तों को तय करते हुए फाइनली मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो मैं आपको यहीं पे पहले एक बात बता दूं कि ये जो रास्ता बना हुआ है जिसको ट्रेवल करके ये फाइनली बाहर रिलीज हो रहा है मेल बॉडी से स्पर्म, तो ये जो रास्ते बने हुए हैं ये डक्ट्स के बने हुए हैं। बहुत सारी डक्ट्स हैं जिनको क्रॉस करते हुए स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड इजैकुलेशन। तो ये जो रास्ते बने हुए हैं ये किसके बने हैं, डक्ट्स के। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ डक्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे डक्ट सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डक्ट सिस्टम। मैंने आपको बताया कि जो पाथ ट्रेवल करेगा स्पर्म रिलीज होने के टाइम पे, ये बना है डक्ट्स का। और ये कई सारी डक्ट्स का जो पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ डक्ट्स है, इसको हम बोल रहे हैं डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम। और इसको हम एसेसरी डक्ट सिस्टम क्यों बोलेंगे, ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था कि अगर हम टेस्टिस को छोड़ दें तो जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बॉडी में हेल्प कर रहे होंगे, असिस्ट कर रहे होंगे, ये सारे के सारे सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि टेस्टिस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो गैमेट बनाने के अलावा और कुछ काम करेंगे, जैसे मैचुरेशन में हेल्प करेंगे, स्टोरेज में हेल्प करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। तो ये एक्चुअली मेल ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को असिस्ट कर रहे हैं। तो इन सारे सेक्स ऑर्गन्स को हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं डक्ट सिस्टम की, तो डक्ट सिस्टम भी गैमेट के अलावा ही कुछ काम करेगी। अभी समझ में आएगा क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, लेकिन ये तो हमें समझ आ रहा है कि ये गैमेट नहीं बनाएगी, यानी ये असिस्ट कर रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसेसरी डक्ट सिस्टम। और मेल बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी है, जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी है, ये बात हम बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हैं कि इसको भी हम तीन ब्रॉड मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किए थे। पहला एसेसरी डक्ट सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ा था एसेसरी ग्लैंड्स, तीसरा हमने बात किया था एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उन तीन कैटेगरी में पहली हमारी कैटेगरी है आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में, दैट इज मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हमने खत्म कर लिया है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मैंने आपको बताया कि तीन कैटेगरीज हैं, एक तो एसेसरी डक्ट्स की, दूसरी एसेसरी ग्लैंड्स की, तीसरी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो पहले हम उठा रहे हैं पहली वाली कैटेगरी, दैट इज एसेसरी डक्ट सिस्टम। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम है क्या। मैंने आपको बताया कि जिस पाथ को ट्रेवल करेगा स्पर्म एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज, अपने रिलीज के टाइम पे जिन पाथ को ये ट्रेवल करेगा, इस पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ पाथ, सिस्टम ऑफ डक्ट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डक्ट सिस्टम। चूंकि ये असिस्ट कर रहा है मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए इसको हम एसेसरी डक्ट सिस्टम बोल पा रहे हैं। यहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई होगी बात। तो एक्चुअली समझने वाले हम ये हैं कि ये जो स्पर्म यहां से निकलेगा स्पर्मिएशन के बाद, वो कौन से पाथ को ट्रेवल करेगा, या जिस पाथ को ये ट्रेवल कर रहा है वो किन किन मेन डक्ट्स के बने हुए हैं। तो इस चीज को फिर से एक बार समझ लीजिए कि स्पर्म बन रहे हैं इसमें, इस हाईली टॉर्चुअस ट्यूब्यूल में। इस ट्यूब्यूल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर मैं आपको बता दूं कि इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये बहुत छोटी सी जगह में पड़ी हुई है, बहुत छोटी सी जगह में, क्योंकि 4 से 5 सेंटीमीटर की पूरी डेस्टिस ही है।
अगर इसको हम 250 पार्ट में क्या करते हैं कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दें तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी छोटी सी हो जाएगी। उसमें एक से लेकर के 10-6 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितनी क्वाइल्ड हो सकती हैं ये, इसलिए ये हाईली टॉर्चुअस होती हैं, हाईली कॉन्वोलेटेड होती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं स्पर्म। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैं हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूँ, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये कुछ स्ट्रेट छोटी छोटी डक्ट्स में जाकर के इस तरीके से ओपन हो जाती हैं। जितनी भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में जाकर के, एक स्ट्रेट डक्ट में जाकर के इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। और ये जितनी भी ये स्ट्रेट डक्ट्स हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की पार्ट नहीं है। फिर इसको समझ लीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो खुद एक क्वाइल ट्यूब्यूल है। ये हर एक क्वाइल ट्यूब्यूल जितने भी एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होंगी ये ओपन होंगी एक स्ट्रेटेन शॉर्टर ट्यूब्यूल में, और इस ट्यूब्यूल को हम लोग बोलेंगे ट्यूबुलाई रेक्टाई। इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये जितने ट्यूबुलाई रेक्टाई हैं, ये जितने भी ट्यूबुलाई रेक्टाई हैं ये एक एनास्टामोजिंग चैनल में आकर के इस तरीके से ओपन हो जाएगी, एक कंपैरेटिवली इस तरीके से ब्रॉड डक्ट या चैनल में आकर के ओपन हो जाएगी। और इस ब्रॉड एनास्टामोजिंग चैनल को मैं बोल रहा हूं रेटे टेस्टिस, इसको मैं बोल रहा हूं रेटे टेस्टिस। और ये रेटे टेस्टिस जो है ये तकरीबन 15 to 20 स्मॉलर स्ट्रेटर ट्यूब्यूल या डक्ट में जाकर के ओपन होती हैं, और इन डक्ट्स को हम लोग बोलते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स, या फिर इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं वासा इफरेंसिया। इसको हम लोग बोल रहे हैं वासा इफरेंसिया। तो एक चीज ये यहां से लेकर के यहां तक के पाथ को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया कि स्पर्म बनेंगे कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स रिलीज होंगे बाहर, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे स्पर्मिएशन। और ये कहां चले आएंगे, इस स्ट्रेट ब्लू कलर वाली ट्यूब्यूल में, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ट्यूबुलाई रेक्टाई से ये कहां आ जाएंगे, इस रेड कलर वाले एक सिंगल एनास्टामोजिंग चैनल में, इसको मैं बोल रहा हूं रेटे टेस्टिस। सिंगल इन नंबर होगी, और रेटे टेस्टिस से ये 15 to 20 इफरेंट डक्ट्यूल्स में आ जाएंगी, और इन इफरेंट डक्ट्यूल्स को हम लोग बोल रहे हैं वासा इफरेंसिया। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो डक्ट्स हैं, पहली ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी ये, जिसको हम इफरेंट डक्ट्यूल्स बोल रहे हैं या फिर वासा इफरेंसिया बोल रहे हैं। आप अगर इन चारों को देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस और वासा इफरेंसिया, ये चारों डक्ट्स टेस्टिस के अंदर है। ये कहां पे है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस और वासा इफरेंसिया या इफरेंट डक्ट्यूल्स, ये कहां पे है, टेस्टिस के अंदर है। तो टेस्टिस के अंदर के लिए यहां पे एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, इंट्रा टेस्टिकुलर। तो ये चार की चारों डक्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, ये चारों के चारों एसेसरी जो डक्ट्स हैं ये इंट्रा टेस्टिकुलर मेल एसेसरी डक्ट्स है। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, चूंकि ये चारों के चारों टेस्टिस के अंदर है और इन चारों के चारों मेल एसेसरी डक्ट्स को टेस्टिस के अंदर होने की वजह से मैं बोल रहा हूं इंट्रा टेस्टिकुलर मेल एसेसरी डक्ट। इनको मैं बोल रहा हूं इंट्रा टेस्टिकुलर मेल डक्ट या मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम। तो ये बात आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब एक छोटी सी बात और समझिए कि ये जो वासा इफरेंसिया है, ये अब जाकर के वासा इफरेंसिया ये जो है ये अब जाकर के ओपन होंगी एक हाईली टॉर्चुअस, हाईली कॉन्वोलेटेड, या कह सकते हैं हाईली क्वाइल्ड
अबाउट 6 मीटर लॉन्ग टिब्यूल में, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग टिब्यूल में ये जाकर के ओपन होंगे। इस चीज को आप देख सकते हैं, मैं तो बहुत कम क्वाइल बना पाया हूं। मैंने आपको बताया कि ये जो 15 से 20 वॉसा एफरेंसिया या एफरेंट डक्टिल्स हैं, ये एक एक हाईली क्वाइल्ड, हाईली टॉर्चुअस, हाईली कॉन्वोलेटेड, अबाउट 6 मीटर, सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूं, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग टिब्यूल में जाकर के डक्ट में जाकर के ओपन हो रहे हैं। और मैं ये भी आपको यहीं पर बता दूं, इट इज द लॉन्गेस्ट डक्ट इन मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम। ये जो वॉसा एफरेंसिया है, 15 से 20 वॉसा एफरेंसिया जो है, ये जिस हाईली टॉर्चुअस, हाईली कॉन्वोलेटेड, 6 मीटर लॉन्ग डक्ट में जाकर के ओपन हो रही है, जिस डक्ट को हम लोग बोल रहे हैं एपिडिडाइमिस, इसको मैं बोल रहा हूं एपिडिडाइमिस, इसको मैं बोल रहा हूं एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस, ये ब्लू कलर वाला जो हाईली क्वाइल्ड या हाईली टॉर्चुअस स्ट्रक्चर मैंने आपको बना रखा है, तो मैंने आपको बताया कि ये अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होगी, 6 मीटर लॉन्ग होगी। तो 6 मीटर लॉन्ग है, छोटी सी जगह में प्रेजेंट है, तो आप इसके कॉन्वोलेशन को समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये क्वाइल्ड या कॉन्वोलेटेड होगी। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो है एपिडिडाइमिस, ये एक हाईली टॉर्चुअस, हाईली कॉन्वोलेटेड डक्ट है, जो कि मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम की लॉन्गेस्ट डक्ट भी है। तो इसमें 15 से 20 वॉसा एफरेंसिया आकर के क्या हो रही है, ओपन हो रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझिए कि ये जो एपिडिडाइमिस है, इसके 3 डिफरेंशिएबल रीजंस हैं। एक ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट आप देखिए, और ये वाला पॉइंट, ये है हेड, ये है टेल, और ये है बॉडी। तो हेड के लिए यहां पर मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं कैपट, हेड को मैं बोल रहा हूं कैपट, और टेल को मैं बोल रहा हूं यहां पे कॉडा, टेल को कॉडा बोल रहा हूं, और बॉडी के लिए यहां पे एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं कॉर्पस। तो ये हो गया कैपट एपिडिडाइमिस, और ये हो गया कॉडा एपिडिडाइमिस, और ये हो गया कॉर्पस एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस जो कि खुद में 6 मीटर लॉन्ग हाईली टॉर्चुअस टिब्यूल है, इसके 3 मेन डिफरेंशिएबल रीजन है। हेड को हम कैपट बोल रहे हैं, बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी को हम बोल रहे हैं कॉर्पस, और टेल को हम बोल रहे हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। और इस एपिडिडाइमिस के लिए एक और कोड वर्ड ध्यान में रखेंगे, एमएमएस, एमएमएस। इस एमएमएस पे हम बाद में अभी आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सुनिए। मैंने आपको जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था तो एक बात बताया होगा कि ह्यूमन स्पर्म्स आर मोटाइल गैमेट्स। ये कैसे हैं, मोटाइल गैमेट्स हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम और टेल। तो ह्यूमन स्पर्म में फ्लैजेलम या टेल प्रेजेंट होगी, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेल इन ह्यूमन स्पर्म्स आर मोटाइल। द मीन इज दैट दे कैन मूव ऑन देयर ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से ये दूसरी जगह पे अपने आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये बात हमें समझ आती है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप समझिए यहां पे, जो ह्यूमन स्पर्म है, जब तक ये मेल ह्यूमन बॉडी के अंदर है, जब तक ये मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल ह्यूमन एसेसरी डक्ट सिस्टम के अंदर है, ये अपने फ्लैजलम या टेल की मदद से मूव नहीं करते हैं। फिर से इस बात को ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन स्पर्म जो है इनमें मोटिलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजलम या टेल प्रेजेंट है। लेकिन मैंने यह भी बताया कि जब तक ये ह्यूमन मेल बॉडी में है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, एसेसरी डक्ट सिस्टम के अंदर है, तब तक ये अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव नहीं करते हैं। मेरा मतलब ये है, विद इन द मेल ह्यूमन बॉडी, विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, विद इन द मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम, द ह्यूमन स्पर्म डज नॉट मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन फ्लैजलम। ये अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव नहीं करते हैं, ये अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव नहीं करते हैं। ये अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव करना स्टार्ट करेंगे आफ्टर बीइंग डिपॉजिटेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, तब ये जाकर के अपने फ्लैजलम की हेल्प से क्या करना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन स्पर्म चूंकि क्या है, मोटाइल है, फ्लैजलम या टेल प्रेजेंट होने की वजह से, लेकिन जब तक ये मेल ह्यूमन बॉडी के अंदर है, तब तक ये अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव नहीं कर रहा है, नहीं करता है, और ये मूव करना स्टार्ट करता है अपने फ्लैजलम की हेल्प से आफ्टर बीइंग डिपॉजिटेड इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये फीमेल बॉडी के अंदर अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव करना स्टार्ट करता है पहली बार। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप ये जानते होंगे या मैं आपको बता रहा हूं
कि जो ह्यूमन स्पर्म है ये फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने के कुछ देर बाद तक भी अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, ये एनर्जी कंजर्वेशन की एक एडॉप्टेशन है। ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन का एक एडॉप्टेशन है कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर तो ये बिल्कुल अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव नहीं करता है, अपनी एनर्जी को बचाए रखता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव करना स्टार्ट करता है तब जब इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, इंसेमिनेट कर दिया जाता है ह्यूमन फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर। लेकिन ये भी मैंने आपको एक सरप्राइजिंग बात बताई कि कुछ देर डिपोजिशन के बाद भी ये कुछ देर तक अपने फ्लैजलम को यूज नहीं करता है मूवमेंट के लिए, अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव नहीं करता है इवन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक ऑल्सो। ये बात आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को कि ह्यूमन फीमेल जो है जब डिपॉजिट हो जाते हैं स्पर्म, इंसेमिनेट करा दिया जाता है स्पर्म को, डिपॉजिट कर दिया जाता है ह्यूमन फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, तो उस स्पर्म को पूरे के पूरे कंटेंट को, सीमेन को ये सक कर लेती है ऊपर की तरफ, या कह सकते हैं पुल कर लेती है। फिर कुछ देर के बाद ये जो स्पर्म है, इनमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर, हम पढ़ेंगे इसको, कैपेसिटेशन बोलते हैं। After being capacitated, जब sperm capacitated हो जाएंगे, actually sperm के head पे कुछ inhibitors होते हैं, उन inhibitors को wash किया जाता है female genital tract के अंदर, और इस washing of head को हम लोग बोलते हैं capacitation। तो अच्छी खासी तरीके से sperm का कह सकते हैं कि female genital tract के अंदर head को wash किया जाता है, इसका मुंह धुला जाता है कह सकते हैं, उसके बाद sperm को होश आता है कि हमको move करना है। तो बहुत तेजी से ये मूव करना स्टार्ट करते हैं किधर? फीमेल गैमेट की तरफ, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आई होप, कि जो ह्यूमन मेल स्पर्म है जो ये मोटाइल होने के बावजूद भी मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, मेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर, या कह सकते हैं मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम के अंदर अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव नहीं करता है। ये फ्लैजलम की हेल्प से मूव करना स्टार्ट करता है कहां पे? फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन आइज होता है कि अगर ये अपने फ्लैजलम की हेल्प से मूव नहीं कर रहा है स्पर्म, तो ये अपने साइट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इस ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटेड टेस्टिस, वॉसा इन्फेंसिया और एपिडिडाइमिस में मूव कैसे कर रहा है? मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। मैंने आपको बताया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म है ये अपनी फ्लैजलम की हेल्प से मूव नहीं करता। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इफ ह्यूमन स्पर्म डज नॉट मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑन फ्लैजलम विद इन द मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम, सो हाउ द स्पर्म इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ प्रोडक्शन अंटिल द एपिडिडाइमिस? कैसे ये स्पर्म यहां से यहां तक क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है? व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम हियर अंटिल हियर? तो ये बात आपको समझना है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमेशा याद रखनी है, भूलनी बिल्कुल नहीं है, कि ये विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये विद इन द मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम, ये स्पर्म जो है मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस। ये मूव करते हैं किसकी हेल्प से? पेरिस्टाल्सिस की हेल्प से। अगर आपने ह्यूमन मेल फिजियोलॉजी पढ़ी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ी है क्लास 11th में, तो उसमें एक चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपने एलिमेंट्री कैनाल की फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, तो आपको वहां पे पता होगा कि इसकी वॉल पे कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं जिनमें फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से एक पल्सेटाइल मूवमेंट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सिमिलरली यहाँ पे इन डक्ट सिस्टम के वॉल पे कुछ स्मूथ मसल्स होंगी, वो भी फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉज करेंगी, और इस पेरिस्टाल्सिस की हेल्प से जो है स्पर्म जो है इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द स्पर्म डज नॉट मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑन फ्लैजलम। स्पर्म जो है मूव करता है विद इन द मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मैं आता हूं इस कोड पे, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? MMS। MMS का मतलब आप समझिए कि ये MMS जो कोड है ये आपको याद रखना है एपिडिडाइमिस के लिए। MMS आपको याद रखना है एपिडिडाइमिस के लिए। एक M का मतलब यहां पे समझिए, एक M का मतलब है मैचुरेशन, इसका मतलब है मैचुरेशन। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आप सुनिए एपिडिडाइमिस के लिए, कि ह्यूमन स्पर्म का मैचुरेशन होता है कहां पे? एपिडिडाइमिस में।
एपिडिडाइमिस वो पर्टिकुलर डक्ट है जो कि लॉन्गेस्ट डक्ट है ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम की क्या है, लॉन्गेस्ट डक्ट है एपिडिडाइमिस। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया